हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा यूजफुल आइडिया जिससे कि मार्केट में मिलने वाले जो महंगे गद्दे होते हैं, मैट्रेस होते हैं, उनको आप घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं। तो जो फटे पुराने वेस्ट कपड़े होते हैं उनसे हम गद्दा बना के रेडी करेंगे। तो मेरे पास ना ये एक्स्ट्रा बहुत सारे फटे पुराने वेस्ट कपड़े रखे हुए थे, तो मैं आज इनका इस्तेमाल करके बनाऊंगी मैट्रेस। तो चलिए शुरू करें। तो मैट्रेस बनाने के लिए आज हम इस्तेमाल करेंगे इस पुरानी बेडशीट का। पुरानी बेडशीट होती है उसका जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी थिक होता है, इसमें लाइनिंग अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे पास ये पुरानी बेडशीट रखी हुई थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके जगह कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यू फैब्रिक का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जितना भी साइज का हमें मैट्रेस बनाना है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें पीस कट करना है। तो कुछ इस तरह के ये टू पीसेस हमने कट कर लिए हैं, आगे मैं इनका मेजरमेंट आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह हमें घर में ही मैट्रेस बना के रेडी कर सकते हैं, और इसी तरह हम मैट्रेस ही नहीं फ्लोर सोफा भी घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो अभी हमें इन दोनों ही पीसेस की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ ले लेंगे 24 इंच और विड्थ भी हम इसकी ले लेंगे 24 इंच। तो फ्रेंड्स, इसे एक ट्रिक से आप दो चीजें घर में बना के तैयार कर सकते हैं, मैट्रेस भी बना सकते हैं, दूसरा आप इससे फ्लोर सोफा भी बना सकते हैं। मैट्रेस बना रहे हैं अगर आप तो इसकी लेंथ और विड्थ आप बढ़ा दीजिएगा, अगर आप फ्लोर सोफा बना रहे हैं तो बस हमने जो मार्किंग की है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पीसेस कट करने हैं। तो ये जो पीसेस हैं हम इन दोनों को इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड इस तरह से रखेंगे। तो मैं इस वीडियो में छोटे साइज का मैट्रेस आपको बना के बता रही हूँ। अगर आपको बिग साइज मैट्रेस बनाना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पीस कट करने हैं। तो ये जो पीस हैं हमने इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रख लिए हैं। तो अभी हमें इसके कॉर्नर्स की मार्किंग करनी है। तो कॉर्नर्स की मार्किंग करेंगे हम तो 4 इंच लेंगे, 4 इंच इसके हमें बॉक्सेस बनाने हैं 4x4 के। तो इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस साइड भी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और ये आप देख सकते हैं एक बॉक्स हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह के बॉक्स हमें तीनों कॉर्नर्स पे और बनाने हैं। तो आप बड़े साइज का मैट्रेस अगर बना रहे हैं तो कॉर्नर्स की मार्किंग आपको 4x4 ही करनी होगी। तो इस तरह से हमने चारों ही कॉर्नर्स की इस तरह से मार्किंग करनी है। तो बिग साइज मैट्रेस बनाने के लिए आपको सिर्फ इसकी लेंथ और विड्थ बनानी पड़ेगी, इसके कॉर्नर्स की मार्किंग आपको 4x4 इंच ही रखनी है। तो इस तरह से हमने चारों कॉर्नर्स की मार्किंग कर ली है। तो 4x4 इंच इसके हमने ये बॉक्सेस बना के तैयार कर लिए हैं। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बिग साइज मैट्रेस के लिए भी आपको कॉर्नर्स की जो मार्किंग है वो 4x4 ही रखनी है। तो अभी हमें इनके कॉर्नर्स की कटिंग करनी है। तो बस चारों कॉर्नर्स की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो कॉर्नर्स की जो कटिंग होती है वो आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से, जैसे कि हमने फर्स्ट कॉर्नर्स की कटिंग करी है उसका पीस जो हमने कट किया है, इस तरह से हम दूसरे कॉर्नर पर रख देंगे और मार्किंग करने के बाद इसकी हम सीधे सीधे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट तरीका हमारा ये हो गया और दूसरा हम डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं जिस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। तो इस तरह से हम कॉर्नर्स की मार्किंग करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो दो तरीके से हम इस तरह से कॉर्नर्स की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से पीस कट करने के बाद दूसरे कॉर्नर्स पे रख के भी कॉर्नर्स की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों ही कॉर्नर्स की हमने कटिंग कर ली है। तो अभी हमें तीनों साइड सीधे सीधे सिलाई लगानी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। और ये फोर्थ वाली साइड है इसमें हमें हाफ हाफ में सिलाई लगानी है।
तो अगर आप बिग साइज मैट्रेस बना रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से सीधे सीधे बस तीनों साइड सिलाई लगानी है और फोर्थ वाली साइड हाफ हाफ में सिलाई लगानी है ताकि इसको हम बाद में ओपन कर सकें। तो इस तरह से हमने तीनों साइड इसमें सिलाई लगा ली है और फोर्थ वाली साइड हमने हाफ हाफ में सिलाई लगाई है। तो यहाँ से हम इसको बाद में ओपन करेंगे। तो तीनों साइड सिलाई लगाने के बाद अभी हमें चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो कॉर्नर्स पे सिलाई किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से कॉर्नर्स को इस तरह से हम पकड़ेंगे और सीधे बस इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें दूसरे कॉर्नर्स पे भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरह हम चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के इस पीस को रेडी करेंगे। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो बिग साइज मैट्रेस में भी आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इस पीस में हमने चारों कॉर्नर्स पे सिलाई इस तरह से हमने लगा ली है। तो सीधे सीधे सिलाई लगानी है, बहुत ही आसान है मैट्रेस बनाना। तो इस तरह से हम सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी जो है ओपन वाली साइड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस पीस को हमने ओपन कर लिया है, ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, फोम वगैरह है या फिर पुरानी कॉटन है तो आप वो इसमें फिल कर सकते हैं। और जो शॉपिंग बैग होते हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके वो भी फिल कर सकते हैं, या फिर सिलाई से बची हुई जो कतरने होती हैं उनको भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास ना ये पुरानी कॉटन रखी हुई थी, उसको मैं इसमें फिल करूंगी। तो जो पुराने पिलो होते हैं, पुराने जो मैट्रेस होते हैं, उनकी जो कॉटन होती है ना, उनको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक प्यारा सा मैट्रेस घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो पुरानी कॉटन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगी और आपका जो मैट्रेस है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा फिल कर लेंगे। तो पूरा हमने इसको फिल कर लिया है, अच्छे से फिल किया है दबा दबा के। तो ये हमारी ओपन वाली साइड है। अब हम इसको भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो सुई और धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो बिग साइज मैट्रेस में भी आपको इसी तरह से ओपन साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सुई और धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। छोटे छोटे टांके लगाने हैं ताकि हमारी जो सिलाई है वो बाहर की साइड नहीं दिखे। तो इस तरह से हम इसको पूरा सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसमें इस तरह से सिलाई लगा ली है और पूरा सिलाई लगाने के बाद अभी हम इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। तो यहां तक हमारी सिलाई लग चुकी है और इस तरह से हम इसको गांठ लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अभी हम इस तरह से धागे को कट कर देंगे। तो फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है, अच्छे से हमने इसको दबा दबा के फिल किया है। तो इस तरह से फाइनली हमारा जो मैट्रेस है वो बनके रेडी हो गया है। तो इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरह से आप बिग साइज मैट्रेस भी घर में आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रेस हमारा बना के हमने रेडी किया है, इसकी फाइनल जो लेंथ है आप देख सकते हैं 16x16 इंच की है और इसकी जो गहराई है इस तरह से 8 इंच है। तो कॉर्नर्स तो आपको किसी भी साइज का आप मैट्रेस बना लीजिए, आपको 18 इंच ही आपका जो गहराई है इसकी आनी चाहिए। तो आप इसकी लेंथ और विड्थ बस बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से आप बिग साइज मैट्रेस भी आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर इस तरह से छोटे पीसेस कट करके आपको मैट्रेस बनाना बताया है।
तो इसी ट्रिक से आप फ्लोर सोफा भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं इसको हमने बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप बिग साइज मैट्रेस भी आसानी से बना सकते हैं। आप इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ा दीजिएगा बस, और कॉर्नर्स की मार्किंग है वो आपको एज इट इज रखनी है। तो इस तरह से आप मैट्रेस घर में आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं। और जो फटे पुराने वेस्ट कपड़े होते हैं या फिर पुरानी कॉटन होती है उसको आप इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो है पुरानी कॉटन भी काम आ जाएगी और जो फटे पुराने कपड़े हैं वो भी आपके इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटे पुराने वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का और पुरानी कॉटन को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो गद्दा या मैट्रेस बनाने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।